हेलो फ्रेंड्स, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पे मैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काफ़ी अपडेट लेके आता हूँ। इसी के तहत आज हम स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक देखेंगे। और फ्रेंड्स, जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आपको जो टारगेट है वो 10 से 15% के रहते हैं और आपको जस्ट ऑब्जर्व करना है, यानी पेपर ट्रेडिंग करना है। तो ये नहीं है कि आप, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ और कल ही जाके जो है मार्केट में वैसा करें, क्योंकि इसमें जो है काफ़ी रिस्क रहता है। तो फ्रेंड्स, पहले अच्छी तरह से समझें और उसके बाद में जो है ट्रेडिंग करें, और वो भी अपना खुद का एनालिसिस करने के बाद। फ्रेंड्स, अभी जो स्क्रीन पे स्टॉक देख रहे हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कि हाई बना, उसके बाद में लो बना, फिर ये जो है नेक्स्ट हाई बना वो प्रीवियस हाई से लो था, यानी लोअर हाई हो गया और लोअर लो हो गया, फिर इसके बाद में फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, ऐसे कंटिन्यू बनता जा रहा है, आप देख सकते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स, अभी जो है हाई जो बना है तो इसके बाद में एक लोअर लो बनना चाहिए, और लोअर लो जो बन रहा है वो अभी मान लो जैसे 2200 के आसपास जो है ट्रेड कर रहा है, तो यानी ये स्टॉक आने वाले कुछ दिन में 2000 तक आ सकता है, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और फ्रेंड्स, आज का जो कैंडल है वो भी आप देख सकते हैं, जो रेड कैंडल बना है ये एक इंडिकेशन है कि यहाँ पे स्टॉक ने रेजिस्टेंस फील किया है। तो फ्रेंड्स, ऐसी सिचुएशन में जब अपने को लग रहा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और ये 2000 तक आ सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि अगर इस स्टॉक का ऑप्शन में जाके अगर PE बाई करते हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, PE जो है 2000 के लिए जो है जुलाई का इसका PE चल रहा है 10.10 का, और इसका जो क्वांटिटी है वो 375 का है, यानी अगर एक लॉट बाई करते हैं तो 3750 रुपये के आसपास ये जो है एक लॉट आ जाएगा। और उसके बाद में अगर ये 2000 की तरफ आता है स्टॉक तो इसमें काफ़ी अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा एनालिसिस है, मेरा व्यू है, तो आपको डायरेक्ट ट्राई नहीं करना है, जस्ट इसको जो है ऑब्जर्व करना है और देखना आने वाले 5 से 7 दिन में इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है। क्योंकि अगर ये रेजिस्टेंस फेस किया है यहाँ पे तो ये काफ़ी जो है सडनली डाउन आएगा, और उससे जो है आपका ऑप्शन का वैल्यू है वो काफ़ी अच्छा जो है इसमें इम्प्रूवमेंट दिखेगा और आपको अच्छे प्रॉफिट मिलने की संभावना है। फ्रेंड्स, ये आप इसमें जो है नोट डाउन करके रखिए, और सिर्फ पेपर ट्रेडिंग के लिए है, आपको इसमें जाके ट्रेडिंग नहीं करना है क्योंकि काफ़ी रिस्की है, और इसको अच्छी तरह से समझना है, पेपर ट्रेडिंग करना है और उसके बाद ही आपको जो है इसमें जाके ट्रेडिंग करना है। फ्रेंड्स, उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और इसी तरह की काफ़ी अपडेट लेके आता रहूँ। तो फ्रेंड्स, देखेंगे इसको जुलाई एंड तक इसका जो है क्या रिजल्ट रहता है। थैंक यू फ्रेंड्स।